हेलो दोस्तों, सो होप यू ऑल डूइंग गुड। सो फिर से हम चल पड़े हैं एक नई जगह की तलाश में। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द ब्लॉग एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। जर्नी की शुरुआत हम मुंबई से करते हैं, जहां भारी बारिश के बीच हम चल पड़ते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर, जहां से हमें आगे द्वारिका कृष्ण की नगरी की ओर ट्रेन लेना है। हमेशा की तरह हमें फिर से इमरजेंसी खिड़की के पास वाली सीट मिलती है एंड थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद लाइट ऑफ होते ही हम सोने की ट्राई करते हैं। क्योंकि गाड़ी में सभी सो रहे हैं तो हम सोचते कि उठ के क्या ही कर ले, सो कोई नहीं, देख लोग हम भी सो जाते हैं। फिर सोते बैठते दिन के लगभग 2 बजे करने लिए हम पहुंच जाते हैं द्वारिका स्टेशन पर, कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट विल बी नेक्स्ट। द्वारिका स्टेशन से ही ऑटो लेके हम फिर से स्टे की तलाश में निकल जाते हैं एंड फॉर्चुनेटली हमें मंदिर के पास ही काफी रीजनेबल रेट पे रूम मिल जाता है। फिर जल्दी ही नहा धो के हम मंदिर की ओर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। मंदिर के पास पहुंच के पता चलता है कि दर्शन फिलहाल बंद है एंड शाम को 5 बजे फिर से ये रिज्यूम होगा। सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग प्लेसेस। सो हम आ चुके हैं सुदामा सेतु, ये है आप देख सकते हो जस्ट मंदिर के बगल में, एंड यहाँ से आप जो अपनी सागर है समुद्र है उसको एक्सेस कर सकते हो। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अभी ये सेतु जो है नॉट एक्सेसिबल, बट हम जाएंगे समुद्र तक। देयर इज़ अ डिफरेंट रूट जो हमको बताया गया है, विल ट्राई इट आउट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो द्वारिकाधीश मंदिर, इट्स रियली अमेजिंग। अब तो फिलहाल मंदिर बंद है, सो वी कैन नॉट हैव अ चांस टू गो इनसाइड। जब जाएंगे तो सो फॉर ए वेरी गुड रीजन मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, इंक्लूडिंग स्मार्ट वॉच स्पेसिफिकली टू बी मेंशन। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, साथ ही हमें ध्वज परिवर्तन की अनोखी परंपरा भी देखने को मिली। इस विशाल समंदर से आती हुई लहरों को देखा है कभी गौर से? ना जाने कितने ही फोर्स से आती हुई ये लहरें फाइनली कोस्ट पे आते ही टूट जाते हैं। That kind of perfectly depicts our existence in this world. Many people ask me, क्यों घूमता रहता है मंदिर मंदिर, क्या मिलता है तुझे? The answer is, it makes me feel how small I am. Makes me think I'm not a body, not even who I am in my mind. I'm just a part of this cosmos. Hello.
सुबह पे अभी 5 बज रहे हैं एंड हमने फिर से नहा धो के रेडी हो गए हम लोग. सो द प्लान फॉर टुडे जो सुबह के जो दर्शन रहती है मंगल आरती दैट वी प्लान टू अटेंड विच मोस्टली टू बी हैपन अराउंड 6:30 एंड वी वुड डेफिनेटली ट्राई टू बी देयर द टेम्पल बाय दैट टाइम बिफोर दैट टाइम. एंड उसके बाद हम जा रहे हैं आसपास की जो चीज़ें हैं उसके दर्शन के लिए. सो डे टू एट द्वारिकादेश सुबह बज रहे हैं 5:45 एंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स टेम्पल. इन सुनसान गलियों से गुजरते हुए ऐसा एहसास होता है कि किसी टाइम पे ये भी एक प्रॉस्परस किंगडम हुआ करता होगा जहाँ प्रभु श्री कृष्णा रहते होंगे. बहुत लोग उनकी जो बाल्य लीलाएं हैं उनसे कभी अच्छे से परिचित हैं बट द फैक्ट इज उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो यहीं पे गुजरी थी. इन ट्रू एसेंस ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट में धर्म की स्थापना के लिए बहुत से काम किए. महाभारत के बारे में तो आप सभी को पता है. इट वॉज नॉट जस्ट एन वॉर बिटवीन पांडवर्स एंड कौरव्स इट वॉज अ जायंट पॉलिटिकल गेम दैट एस्पायर्स द ह्यूमन हिस्ट्री. फिलहाल ऑलरेडी ना लोग स्टार्टेड गैदरिंग फॉर द दर्शन बट अभी जो सामान जमा करने की एक जो लॉकर रूम है दैट इज समहाउ क्लोज्ड. अच्छा सो फाइनली हम मंगल आरती में शामिल हो चुके थे एंड आई मस्ट एडमिट व्हाट एन एक्सपीरियंस. अगर इसको एक्सप्लेन करना हो जो कि नॉट पॉसिबल दो देन आई वुड से मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम. सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. आगे की वीडियो में हम द्वारिका के आसपास की जगह के बारे में देखेंगे. स्टे ट्यून टिल देन. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दैट हेल्प्स अ लॉट. टिल देन बाय. जय द्वारिकाधीश महाराज.